अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैर से होंगे। तो भाई आप सभी लोगों को दूसरा रोज़ा मुबारक हो। और आज मैंने बोला था कि शहरी से ब्लॉग बनाऊंगा, तो भाई मैं शहरी से ब्लॉग बना रहा हूँ। और यार अभी आपके भाई ने शहरी वहरी कर लिया फूल एकदम, अब पानी पीना रह गया है बस, तो वो भी पी लेंगे। और भाई कल तो पूरा दिन बारिश गुजर रहा था, आज का दिन देखते हैं कैसे गुजरता है। और बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ मौसम और व्यू। देख रहे हो भाई, फुल अंधेरा घूम रहा है, तो ये लगती भी नहीं है, देखो अब लगी। तो बस मैं यही कहता हूँ वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अब मैं जो है वो ये कहते हैं वजू वजू करके फिर जाऊँगा नमाज पढ़ने, फिर आपको मिल दूँगा सुबह उठ के। तो भाई गाइस यहाँ पे हमारी मानो भी हो चुकी हैं जुम्मा मनाने के लिए रेडी। तो मानो आपको कैसा लग रहा है रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा? अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब आप खाना नहीं खा, आपका तो बोल के आपके तो मज़े हैं भाई, इनके तो मज़े हैं, तो खाना खाएंगे। और ये हमारे मौलाना साहब आ गए, आज शराबी पढ़ाएंगे। देखिए हम वेस्ट कोट इनकी कितनी छोटी है, अरे भाग गए। हाँ तो भाई जैनब, हम आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, कैसा लग रहा है आपको रमज़ान? हसन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है भाई, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 को 30 हो। देखा भाई ये छोड़ी हमारे के चले गए, तो भाई छोड़ी अभी किसको डाले पड़ ले, पागल हुई है ये, व्लॉग बनाते बनाते दिखता रहता है। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं नमाज पढ़ने, और भाई लाइट भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तब हम आपको मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो यार गाइस मैं नमाज पढ़ के अभी आ चुका हूँ, और भाई एक चीज दिखाने की आपको, इधर भाई मस्जिद में अकाउंट बट रहे थे तो हम ले लिए, और हमने एक हाथ में भी पहन लिया है, अभी आपको दिखाते हैं वो भी कैसा लग रहा है। और ये मेरी सिस्टर आ गई है भाई साहब, ये क्या लेके आ गई? ओ भाई मेरी सिस्टर भी जुम्मे के लिए तैयार है, तैयार हो भाई? जुम्मा उम्मा पढ़ लिया आपने? तो गाइस जब आप आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पहला T20 मैच है, तो भाई मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अब मैं आपको मिलता हूँ कोचिंग पे। तो यार गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कोचिंग, और भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 के करीब, तो मेरी कोचिंग की टाइम है 3:30 से 4:30। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ अब कोचिंग, अब आपको मैं तो कोचिंग आने के बाद, तब तक आप मैंने एक हदीस एडिट करी है वो देख। तो भाई गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, और मैं कोचिंग से भी आ चुका हूँ। और भाई अब मैं आज आप लोगों को अफ्तार भी दिखाऊंगा कैमरा सेट करके, कि मैं रोज़े में क्या क्या खाता हूँ और भाई क्या क्या चीज़ है, क्योंकि अभी यार पता कर समझा करो, थोड़ा किचन में भी काम चल रहा है ना, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है। तो भाई अब बिल्कुल ही कम टाइम रहता है मेरे ख्याल से, सब अच्छे हो रहे हैं, तो आधे घंटा रहता है, तो बस दूसरे रोज अभी भाई गुजरने के लिए भाई रहेगा, तब आपको मिलते हैं किचन में। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई छोलों का सामान रखा हुआ है, और ये चटनी है, और ये है पकौड़ों का बेसन। अभी पकौड़े बनेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तेल गर्म हो रहा है, और ये हमारा रात का शहरी का सालन है, तो जब आप पकौड़े बनेंगे तो हम आपको मिलेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई गरम गरम पकौड़े डल ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो। और हम इसको खाएंगे केचप के साथ, और वो जो चटनी वगैरह थी वो उसके साथ। तो भाई अब आप लोग देख सकते हो पकौड़े बनते हुए, अब जब ये बन जाएंगे तो हम आपकी वो इसकी लुक दिखाएंगे। तो भाई गाइस अभी रोज़ा खुलने में कुछ ही मिनट रह गए, तो भाई ये देखो अब मिलते हैं रोज़ा खुलने पर। اشهد ان لا